मैंने अपने जिंदगी के 17 साल परफेक्ट जिंदगी बनाने में लगाए हैं। मेरी परफेक्ट फ्रेंड्स थे और एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड थी। अकेलापन दूर करने के लिए तुम कुछ कर सकती हो। लेकिन पता है सबका मुझ पर क्या असर हुआ? मैं बर्बाद हो गई। मैक्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। hey, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? जिन पर भरोसा करते हैं उनसे धोखा खाना क्या होता है मुझे पता है। करिसा जोन्स, उसने मेरे बारे में एक रूमर फैलाया था। उसने सबसे कहा मैंने उसे जबरदस्ती किस करना चाहा, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और बर्बाद कर दिया। अब विश हम लोगों को पैसे देकर उनसे बदला ले पाते। क्यों ना हम एक टीम बनकर एक दूसरे के लिए बदला लें। तुम उसे सजा नहीं देना चाहती? मैं नहीं चाहती कि उसे सजा मिले, मैं उसे जलाकर राख करना चाहती हूँ। तुम सच में उस मूवी फेटल अट्रैक्शन की ग्लेन क्लोज वाली एनर्जी दे रही हो। ग्लेनर्जी, तुम तैयार हो अपने नए अवतार के लिए? अब तुम बनोगी एक हाई स्टेटस कमीनी। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। करिसा से शुरू करते हैं, उसे बर्बाद करना मेरे बाएं हाथ का खेल। वो बाएं हाथ का खेल क्यों है? लड़की को तबाह करना बहुत ही आसान है। तुम करिसा हो ना? हम पहले भी मिले हैं और तुमने कहा था मेरी शक्ल जूते जैसी है। कूल, लड़कों की बात अलग होती है। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसका मुझे अफसोस है। मैं तुम्हारे ऑनर में एक क्लब बना रहा हूँ। दिस इज हेट्रियो मेन चैंपियनिंग फीमेल आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स लीग। तुम उसे एक्सपोज करोगी। ये कौन? कि वो औरतों की इज्जत ना करने वाला एक हिपोक्रेट है और फिर हम उसकी जान लेंगे। तुम सीरियस तो नहीं हो ना? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। टीनेज गर्ल्स साइकोपैथ्स होती हैं। तुम थेरेपी ले रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? कूल। क्या एक्चुअल में बदला लेना सही रास्ता होगा? ओह आई एम सॉरी ग्रैंडमा, क्या तुम इस वक्त मुझे सही गलत का पाठ पढ़ा रही हो?